भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम छो मजामा भाई लोग, जब भी बवाना कस्बे की बात आती है तब एक किच नाम याद किया जाता है, नीरज बवाना। मगर वो इच बवाना में और एक बंदा था जिसने बवाना की गलियारों से निकल कर हक्के दिल्ली भी अपना डंका बजाने का ख्वाब देखेला। बवाना के दो हाथी बोले तो नीरज बवाना और राजेश बवाना, ये जब दंगल में उतरते ना फिर अक्खा दिल्ली शमशान माफिक साइलेंट हो जाता। क्योंकि ये मामू लोग जब वायलेंट होते फिर तो अक्खे दिल्ली में भोकाल मच जाता। राजेश बवाना बोले तो नीतू दाबोड़िया का जिगरी और नीरज बवाना का जानी दुश्मन। मामा ने ऐसा एम्पायर खड़ा कर डाला कि अक्के दिल्ली में बड़े बड़े व्यापारी लोग राजेश बवाना का नाम सुन के पैसों की बौछार कर डालते, वरना राजेश बवाना उसका बोड़ी का ताता थैया कर डालता। तो भाई लोग दिल थाम के बैठने का, क्योंकि मैं सुना रेला क्राइम का कथा तो काला प्रसाद खा के जाना मांगता। भाई लोग बाहरी दिल्ली का बवाना सिटी, इधर से निकला राजेश बवाना उर्फ कर्मवीर, शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का था। और साल 2005 में दिल्ली के सबसे बड़े खूंखार गैंगस्टर बोले तो नीतू दाबोड़िया गैंग ज्वाइन कर लिया। अब नीतू गैंग में उसको साथ मिला अशोक प्रधान का। अब नीतू, राजेश और अशोक की जोड़ी ने साल 2012 आते आते कहीं बड़े बड़े कांड कर डाले, बोले तो जंगल में आग ही चलगा डाले। मगर 24 अक्टूबर 2013 को वसंत कुछ इलाके में दिल्ली पुलिस ने नीतू दाबोड़िया का पत्ता ही काट डाला। नीतू के बाद राजेश बवाना ने अक्के गैंग की कमान संभाल ली। फिर जो वसूली का उसने एक ऐसा दौर चलाया मानो उस टाइम पे व्यापारियों के कलेजे में राजेश बवाना नाम का हाटे टिकाने लगा था। 19 मार्च 2014 को पुलिस ने राजेश बवाना को उठा लिया, मगर एड़ा आदमी एक महीने के भीतर जेल से बाहर आ गया। जेल से आते ही उसने ठान लिया कि अब नीरज बवाना को उल्टू पटाक टक्कर देना मांगता। इस वास्ते उसने एक रावस गैंगस्टरों का टोली बनाया जिसमें शामिल हुए रवि दहिया उर्फ लांबा, ललित उर्फ लादेन, मोहित उर्फ रेंचो, राहुल डब्बास उर्फ माया और बोली। फिर जो उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक तहलका मचा डाला। सोनीपत में नवीन को ठोक दिया, वहीं खरखोदा में एक फैक्ट्री मालिक से 50 लाख की वसूली की तो बाबा हरिदास नगर में 20 लाख की वसूली। एक दिन इसका अक्खा टोली जहाँ पहुंचा बवाना में, वहां सिटी केवल के मालिक को गोलियां ठोक दी। बवाना में पवन सहरावत से 10 लाख की वसूली, चटोदा कला में परमजीत को टपका दिएला, वहीं बवाना में दिनेश उर्फ भोला को ठोक दिएला, बहादुरगढ़ में तिहार जेल के वार्डन रविंद्र को गोली मार दी। साल 2014 में जेल से बाहर निकलने के चौथे दिन गैंगस्टर रविंद्र पौवा को लुड़का दिएला। वहीं नीरज बवाना और राजेश बवाना के पंटरों के बीच खूनी जंग जारी थी। हर कोई मौके की फिराक में रहता, मौका मिला ठोक डालता। राजेश बवाना को लगता था कि नीरज बवाना कालू के दम पर उछल कूद कर रहेला, तो कालू को ठोक दिएला। दूसरी ओर दिल्ली और सटे इलाकों में व्यापारियों में राजेश बवाना की दहशत इतनी फैल चुकी थी कि उसके खिलाफ कोई नहीं जाता, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने 1 लाख और हरियाणा पुलिस ने 2 लाख का इनाम मामू के मत्थे ठोक दिएला। अब पुलिस फुल एक्शन मोड में थी, उठा लिया राजेश बवाना को उसके 5 पंटरों के साथ, डाल दिया बोरीसी जेल में। एक दिन जब राजेश बवाना को रोहिणी कोर्ट में पेशी पर लाना था, यह बात नीरज बवाना को पता चल गई तो राजेश का पुंगी बजाने के वास्ते उसने अपने पंटर बोले तो अब्दुल को भेजा रोहिणी कोर्ट में। मगर एंड टाइम पे अक्का कहानी चेंज हो गया। अब्दुल कोर्ट में आया जरूर, गोली भी मारी, मगर गोली लगी विनोद को, क्योंकि उस दिन राजेश की जगह विनोद को पेशी पर लाया गया था। हाल ही में राजेश बवाना के छोकरे लोग बोले तो मनवीर उर्फ रेंचो और मदन को पुलिस ने उठा लिया। तो भाई लोग ये थी राजेश बवाना की कहानी, जो फिलहाल जेल में बैठा है। भिड़ो एक बात याद रखना मंगदा, अपराधी प्रवृत्ति वाले बंदे से हर हमेशा दूर रहना मंगदा। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।